समर्थन में उतरा भारत, मैक्रो पर हो रहे हमलों पर जताई नाराजगी। भारत ने इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की लड़ाई का समर्थन किया है। इस्लामी कट्टरवाद के खिलाफ मैक्रो के कड़े रुख के बाद उन पर हो रहे व्यक्तिगत हमलों की कड़ी निंदा करते हुए भारत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय विमर्श के सबसे बुनियादी मानकों का उल्लंघन बताया। विदेश मंत्रालय ने शिक्षक सैमुअल पेटी हत्याकांड की भी निंदा की। मंत्रालय ने कहा है कि आतंकवाद को किसी भी वजह से या किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद गुड या बैड नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है। इसका किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता और जो लोग आतंकवादियों के साथ हैं वो खुद आतंकवादी हैं। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।